आप यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गए, वो मलाल जरूर आपके मन में होगा, लेकिन अब तो वो दिन नहीं आ सकते आपके। अब आप क्या वापिस यूनिवर्सिटी जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे? और कौन लाया सेमेस्टर प्रणाली? अगर नरेंद्र मोदी लाए तो आप मोदी की सरकार हो क्या कि कहीं वसुंधरा से पीछे नहीं रह जाए? उसने तो फर्जी मार्कशीटों का कारोबार बढ़ाया, गहलोत जी ने पेपर लीक की नई दुकान राजस्थान के अंदर खोल दी कि पेपर ही लेके चले जाओ सारे सारे, मैं पेपर लीक राजस्थान के अंदर करवा रहा हूँ। और ये जो लाल डायरी का खेल है, ये चुप कैसे हो गई लाल डायरी, बताओ मुझे कहाँ चली गई? डेढ़ दो बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, आपको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ है क्या? क्या क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर में बैठोगे? गहलोत भी फौजमार कप्तान है और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है, लोगों का यूज थ्रो। भाजपा में 12 दूल्हे एक लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा? पायलट साहब की बारात तो बीच में ही रुक गई, गाड़ी पंचर हो गई उनकी। लेकिन असली में जानता हूं अशोक गहलोत को, वो यही चाहते हैं कि मेरे 5 साल आराम से निकल जाए, जनता जाए भाड़ में, और ये कह देंगे मैंने पायलट को तो रगड़ दिया, उसका तो इलाज कर ही दिया। आप मुझे बताएं, महेश जोशी ने बीजेपी के नेताओं से बात करी, 2-3 लोगों से जो अक्सर बात करते हैं, आपको ज्ञात होगा जब इस पर आरोप लगे, मेरे विधायक विधानसभा के अंदर थे, बेल में धरने पे बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इनसे कह रहे थे कि महेश जी वाला मामला छोड़ो, बीजेपी ये मामला नहीं उठाएगी क्योंकि हमने बात तय कर ली आपस में। तय कर ली मतलब मिला जुली का खेल है। महेश जोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई दर्जन नेताओं के और विधायकों के आपस में काम है, जेजेएम के, वो दिल्ली वाले मंत्री के साथ भी है। तो ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, इन छोटे भाइयों को पता होनी चाहिए कि ये कहानी है। उसने बात करी, गहलोत साथ मिलाया और छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप इन युवाओं के क्यों पीछे पड़े हो? आप तो अपने आप कहते हो कि मैं युवा नेता था, पहले युवा राजनीति से आया हूँ। हाँ, आप यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गए, वो मलाल जरूर आपके मन में होगा, लेकिन अब तो वो दिन नहीं आ सकते आपके। अब आप क्या वापिस यूनिवर्सिटी जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे? और आपकी अगर इच्छा है तो खुद ही आदेश निकाल लो कि तमाम विश्वविद्यालयों का मैं अध्यक्ष घोषित करता हूँ। आज बहुत शौक है आपको, चुनाव लग रहा है और आप लगातार रेवड़ी बांट रहे हो। छात्र संघ चुनाव के बारे में मुख्यमंत्री जी बताओ कि क्यों चुनाव बंद करा रहे हो? कौन सी सेमेस्टर की बात कर रहे हो आप? और कौन लाया सेमेस्टर प्रणाली? अगर नरेंद्र मोदी लाए तो आप मोदी की सरकार हो क्या? आप तो कांग्रेस हो, वो बीजेपी है, स्टेट का सूची है शिक्षा, चुनाव कराने नहीं कराने वो तो स्टेट का इश्यू है, दिल्ली का नहीं है। और जब बात कर रहे हो सेमेस्टर की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 तारीख को जब चुनाव हो रहा है तो राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर और बीकानेर सहित तमाम हमारे विश्वविद्यालय कॉलेज है, इनमें छोटे भाइयों को चुनाव से क्यों रोका जा रहा है? ये लिंगदो कमेटी जिसकी आड़ में हमारे छात्र संघों को कमजोर करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया, क्या है लिंगदो कमेटी? कौन लिंगदो था? क्या मतलब है लिंगदो का यहाँ पर लेना देना, बताओ मुझे? चुनाव कराना नहीं कराना, वसुंधरा लाई कि सरपंच 8वीं पास होगा, 10वीं पास होगा, डीआर सीआर, इतने फर्जी मार्कशीट आ गई राजस्थान के अंदर, सारे उत्तर प्रदेश बिहार से फर्जी मार्कशीट लेके आधे ज्यादा लोग सरपंच बन गए, बड़ी दिक्कत हुई उनके साथ। जैसे ही सरकार बदली, बदलते इन्होंने कहा वो केस तो वापस लेंगे, लेकिन एक नया काम चालू करते हैं कि कहीं वसुंधरा से पीछे नहीं रह जाए। उसने तो फर्जी मार्कशीटों का कारोबार बढ़ाया, गहलोत जी ने पेपर लीक की नई दुकान राजस्थान के अंदर खोल दी कि पेपर ही लेके चले जाओ सारे सारे, मैं पेपर लीक राजस्थान के अंदर करवा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हो, और आपने खुद ये कहा कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती, और ये जो लाल डायरी का खेल है, ये चुप कैसे हो गई लाल डायरी, बताओ मुझे कहाँ चली गई? क्योंकि अगले जो पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे, इसलिए लाल डायरी बंद करो और लाल डायरी जो लेके आया उसको दूसरी पार्टी के अंदर घुसाओ और वो सीट छोड़ के और उसको दूसरी पार्टी में, नहीं तो कह देंगे कि बीजेपी के लोगों ने लाल डायरी से सरकार को बदनाम किया, बीजेपी के खुद लोग इसके अंदर शामिल है। मैं सचिन पायलट से पूछना चाहता हूँ, वो बड़ी युवाओं की बात करते ट्वीट करते हैं, कल परसों मैंने उनका भाषण देखा था,
वो कह रहे थे नई नई पार्टियां आ जाती है, डेढ़ दो बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, आपको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ है क्या? क्या क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते तो आप जैसे घने लोग घूम रहे प्रदेश देश, कौन पूछता आपको बताओ? अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं लगता राजस्थान का, एक सिपाही नहीं लगा सकते, और किसी के पानी का टैंकर नहीं डलवा सकते राजस्थान के अंदर? क्या हैसियत बची है आपकी राजस्थान में? बता दो, जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया, फौजमार कप्तान हो गए आप, अपनी फौज को खा गए। गहलोत भी फौजमार कप्तान है और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है, लोगों का यूज थ्रो। जब मुझे बीजेपी से बाहर निकाला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो वसुंधरा के लिए बोला था कि वसुंधरा जी की जाति क्या है और इनका ससुराल और इनका पति कहाँ है, यही तो बोला मैंने। क्या गलत बोला था बताओ मुझे? अगर ये पूछना अपराध है तो मैंने जरूर अपराध किया उस समय, और मुझे बाहर निकाल दिया कि आप जाओ बाहर पार्टी के। कैलाश मेघवाल बोले कि देश के न्याय मंत्री कानून मंत्री भ्रष्ट है, जांच करानी चाहिए। बीजेपी के मिर्ची लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कहा कि आपको बाहर निकाला जाता है। अरे जो आदमी 85 साल की उम्र के हैं, जिन्होंने उस समय मेघवाल समाज को भाजपा से जोड़ा, हमारे समाज के लोग बीजेपी का झंडा नहीं लगाने देते थे मारवाड़ के अंदर, मेरे पिताजी कब भाजपा के अंदर आए? हम अगर सच्ची बात नहीं कहेंगे हम किससे खड़े हैं? तो मेघवाल जी को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने उनके चेते मंत्री पर आरोप लगा दिया। और ये सब कौन कर रहा है? जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राजस्थान में, और एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है भाजपा में, 12 दूल्हे एक लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा? अभी बारात आ गई है, सत्ता खड़ी है, तोरण कौन मारेगा? तोरण का वाला कहां है? और कांग्रेस पार्टी में पायलट साहब की बारात तो बीच में ही रुक गई, गाड़ी पंचर हो गई उनकी। और गहलोत साहब चाहते हैं कि मैं दूसरी बार रिपीट हो जाऊं या तीसरी बार चौथी बार रिपीट हो जाऊं, लेकिन असली में जानता हूं अशोक गहलोत को, वो यही चाहते हैं कि मेरे 5 साल आराम से निकल जाए, जनता जाए भाड़ में, लग जाएगी आचार संहिता, उसमें टाटा बाय बाय करके निकल जाओ। फिर कह देंगे अरे क्या हो गया, 21 आई थी, अगर 4 ज्यादा ज्यादा ले आया ना, पिछली बार तो 21 थी, उससे तो ज्यादा है कि नहीं है? और ये कह देंगे मैंने पायलट को तो रगड़ दिया, उसका तो इलाज कर ही दिया, जो कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, वो कह रहे थे रगड़ाई होनी चाहिए, दिया तो था बयान, लेकिन सचिन पायलट क्या करेंगे? मुझे उनकी चिंता है, और चिंता इसलिए मैं कई बात बोलता हूँ तो कह रहे मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, मैंने तो उनकी मदद करी, 2 बार मदद करी, उनको कह दो 1 बार मदद कर देना मैं मान लूंगा कि आपने हमारा ऋण उतार दिया, हमारा ऋण है उनके ऊपर, 1-2 और ऋण है वो बताऊंगा नहीं मैं आपको यहाँ पब्लिकली, पहले ऋण उतारो, जो ऋण हमने आपके ऊपर उनको उतार दो आप। पायलट साहब कैसी बातें करते हो, जो पहले पॉलिटिकल पापा कहते थे अचानक पॉलिटिकल पापा बदल गए, पॉलिटिकल पापा बदलता नहीं, एक ही रहता है, वैसे तो बाप एक ही होता है, लेकिन कोई अगर 2-3 बाप बनाना चाहे तो लोकतंत्र में उसको छूट है, मुझे लगता है ना, वो बना सकता है, लेकिन 2-3 के बाद रुक जाएगा, 7-8-9 तक नहीं चले जाए, इतना ही है बस, है ना। पॉलिटिकल पापा तो होते थे, पॉलिटिकल मम्मियाँ और हो गई जगह जगह, आप बताओ, पॉलिटिकल पापा पॉलिटिकल मम्मी, सुबह दिया बयान कुछ, शाम को कुछ।